टिकट तो हमें मिल चुकी है, 30 रुपए की टिकट है। इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा इधर। ये सीन देखो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो कि दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, और वो देखो किनारे की साइड आराम कर रहे हैं 2-3 घड़ियाल। तो गाइस 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 गाइस, वो रहा शेर। पानी पी रहा है, पानी पीते तो नहीं है लेकिन तब भी पी रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रकाश के ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है पटना शहर में, क्योंकि कल रात ही मैं झारखंड से पटना आ चुका हूं और अभी है मॉर्निंग का टाइम, लग तो रहा है बारिश होने वाली है, लेकिन मैं जाने वाला हूं घूमने चिड़ियाघर। इसलिए मैंने ओला बुक कर दी है और अभी आते होंगे बाइक वाले भैया, उसके बाद हम चलेंगे अकेले ही चिड़ियाघर और अकेले ही पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं। मुझे पता भी नहीं है यहाँ का रास्ता वास्ता, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहेगा, कितना टाइम लगने वाला है, क्या प्राइसिंग रहेगी। वैसे मैं वाटर पार्क का भी सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिल गया तो उसके बाद मैं वाटर पार्क भी चलूँगा। तो फटाफट ओला वाले भैया का वेट करते और चलते अपने चिड़ियाघर। A few inches later. तो गाइस, हमारे ओला वाले भैया आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं चिड़ियाघर की तरफ। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की, करीबन आधा या एक घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। कितना भैया टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लगने वाला है। चलो रास्ता पता करते करते पहुंच जाएंगे और वहां चल के देखते हैं कैसा सीन है, बारिश ज़्यादा हो रही है या कम, कहीं रुकना भी पड़ सकता है अगर ज़्यादा तेज बारिश हो रही है तो। हाईवे पे आ चुके हैं और हाईवे पर देखो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पर लग रहा है आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा टाइम, लेकिन भैया हम लोग को सेफली पहुँचा देंगे धीमे धीमे। रोड तो एकदम चकाचक है यहाँ का, देखो कितना दूर तक गया उसे आप लोग देख सकते हैं, ट्रैफिक लगा है बहुत दूर तक। Guys, finally, आधे घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जू। अब इसके अंदर हम लोग नहीं जाने वाले, पहले यहाँ पर से कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि कल रात से ही मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉल लगते हैं। तो चलो पता करते हैं कितने का क्या मिलता है, फिर खा पी के चलेंगे अंदर। तो गाइस, अभी हमने ऑर्डर दे दिया है छोले भटूरे का, जिसका प्राइस है एक प्लेट का 40 रुपए। थोड़ी देर में बन के तैयार होने वाले और आएंगे हमारे पास गर्मा गर्म। गाइस, हमारे छोले भटूरे गर्मा गर्म आ चुके हैं बिल्कुल सैलेड के साथ, और फटाफट खाने के बाद चलते हैं सीधा चिड़ियाघर के अंदर। इस छोले भटूरे खाकर बॉडी में थोड़ी तो एनर्जी आ गई है, ताकि अंदर जाके बोलते बोलते मेरी बोलती ना बंद हो जाए। तो फटाफट चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और फटाफट ले लेते हैं अपना एक टिकट। गाइस, यहां से आप लोग देख सकते हैं टिकट प्राइस है 30 रुपए, जो बच्चों के लिए है वो है 10 रुपए। भीड़ तो ज़्यादा है नहीं, चलो उधर साइड जाना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं एक टिकट। गाइस, टिकट तो हमें मिल चुकी है, 30 रुपए की ये टिकट है। तो चलो चलते हैं एंट्री कर लेते हैं यहाँ से। टिकट हमारी कट चुकी है और हम लोग भी एंट्री कर चुके हैं चिड़ियाघर पटना के अंदर। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। पहले एक बार यहाँ का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। सही, आप एंट्री करोगे उस गेट से तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, हरा भरा जंगल, सीधा रास्ता, और इधर तो कुछ भी नहीं है। तो चलो सीधा चलते हैं जंगल की तरफ और देखते हैं क्या मंगल चल रहा है इस जंगल में। बाकी सारे चिड़ियाघर की तरह इसमें भी ये ई बस का सुविधा यहाँ पर भी है, वो वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा टिकट प्राइस के बारे में, वहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर ऐसी कई सारी हैं और ट्रेन भी तो चलती ही होगी, वो देखो ट्रेन की पटरी बनी है तो चलती होगी। और कुछ खाना पीना है तो यहाँ से आप लोग खा पी सकते हो, नहीं तो आगे और भी सारे आपको ऐसे खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। बोर्ड पे देख लेते हैं कहाँ पर क्या बना हुआ है, सीधे साइड क्या है, मछली घर भी है इसमें और सफ़ेद मोर, ये जंगली कुत्ता, ये सब बोर्ड में लिखा हुआ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी आप लोग को
फटाफट पूरा चिड़ियाघर घुमा देते हैं। गाइस सबसे पहले हमारी नजर गई है यहाँ के भेड़िए पर, और वो सामने बैठा हुआ है भेड़िया। देखो कुत्ते की तरह लग रहा है लेकिन शांत है एकदम। चलो देखने को तो मिल रहा है, नहीं तो लखनऊ वाले चिड़ियाघर में मैं गया था तो वहाँ पर धूप के वजह से तो जानवर ही बाहर नहीं आ रहे थे। चलो फटाफट देख लेंगे कितना डेंजरस तो फोटो में लग रहा है। चलिए गाइस यहाँ का इंटरेस्टिंग जानवर चिंपैंजी को आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पर है। चलो 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 जल्दी चलते हैं, इधर से तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो इधर से ही है। वो बैठा हुआ है, दो दो चिंपैंजी। ये तो यार ना कानपुर के चिड़िया और ना ही लखनऊ के चिड़ियाघर में, लेकिन पटना के चिड़ियाघर में देखने को तो मिल गया। हेलो, इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा, इधर लग रहा लड़ाई हो गई है इन दोनों की। डिटेल डिटेल तो आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं है। वो आपको जो ऊपर ये छज्जा दिख रहा है इसके ऊपर ही ये लेटा हुआ है, थोड़ा दूर से आप लोग को भले ही दिख जाए। चलो दूर से दिखाता हूँ क्योंकि मुझे भी दूर से ही दिख रहा था कहाँ है वो। देखो हल्का हल्का आप लोग को दिख रहा होगा वो लेटा हुआ है। वो देखो जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो ऊपर आराम कर रहा है। एक ही तेंदुआ इस समय है, ज़्यादा नहीं है। चलो आगे किसी पिंजड़े में चलते हैं, शेर देखेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, यानी कि हिमालय गिद्ध। यहाँ पर दो गिद्ध मुझे दिख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो पहले आम बात हो जाती थी, गिद्ध दिख जाते थे, लेकिन आजकल मतलब क्या 10-15 साल हो गए तब से दिखते कहाँ हैं। ये देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े शांति माहौल में। दो ही गिद्ध दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा तो दिख ही नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं, बचे ही नहीं है ज़्यादा। डिटेल डिटेल पढ़ के खुश हो जाओ क्योंकि हो सकता है 2-4 साल 10 साल 15 साल बाद ये भी देखने को ना मिले आपको कहीं पर। और भी है क्या ऊपर? अच्छा ये है ऊपर, ये देखो यहीं पर बैठा हुआ है। वे चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले साल। कल रात तो मैं आराम से सो गया था, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो इतना तो एनर्जी है मेरे अंदर कि आपको अकेले ही मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो तो अभी आपको बस स्टार्टिंग की ही मिली है। अभी यहाँ पर सिंह यानी कि शेर किधर साइड होगा, लग रहा है ये वाले पिंजड़े में ही होगा। चलो देखते हैं। क्या आप लोग कभी आए हैं इस पटना के चिड़ियाघर में? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ का चिंपैंजी लगा, क्योंकि मैंने अभी तक चिंपैंजी किसी भी चिड़ियाघर में देखा नहीं था, इस चिड़ियाघर में तो देखने को मिल गया है, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। गाइस 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 वो रहा शेर जो कर देगा सबको ढेर। वो देखो अकेला बैठा है, एक ही है शायद, ज़्यादा नहीं है लेकिन एक ही काफ़ी है। वो देखो चलो 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 देखते हैं एक ही है कि दो है, और नज़र डाल लेते हैं पूरे चिड़ियाघर में। मुझे तो और कहीं नहीं दिख रहा है इसके अलावा, ये बैठा है शांत माहौल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक ही जानवर पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, टाइम बहुत कम है, उसी को यूटिलाइज़ करना है। एक दिन का टाइम है क्योंकि कल मैं निकलने वाला हूँ कानपुर के लिए, मेरी ट्रेन है करीबन 4 बजे की, ट्रेन तो लेट होती रहती है। और यहाँ पर तो वही होगा और कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। टाइगर कभी सुस्त नहीं बैठा रहता, सेफ की तरह हमेशा चलता ही मिलेगा ज़्यादातर। यहाँ पर भी अपना वॉक करने के लिए निकला है, खाना पचा रहा है लग रहा सुबह का ब्रेकफास्ट। शेर देखो कितना डेंजरस लग रहा है, वॉक कर रहा है एकदम। तो गाइस अब चलते हैं सांप देखने, यहाँ पर भी सांप के लिए एक अलग से ही टर्नल बनाया गया है, देखते हैं कौन कौन से सांप की प्रजाति है यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी तक तो मेरी नज़र किसी पे गई नहीं है, कहाँ पर है वो है अजगर, सबसे पहले अजगर ही देखने को मिलेगा क्योंकि इजिली कहीं पर भी मिल जाते हैं। ये देखिए क्लियर एकदम, ये ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं थोड़ा, बाकी का पानी इनके लिए भरा है, जंगल एकदम बनाया गया बढ़िया। चलो आगे देखते हैं और भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, इसमें केवल अजगर ही अजगर पकड़ के डाल दिए जाते हैं, कुछ नहीं है, एक ही बस है यहाँ पर अजगर। बाकी का आगे तो रास्ता मुझे ख़त्म लग रहा है, आगे भी कुछ है क्या? पोस्टर पर ही देख के खुश हो जाओ शायद।
नहीं, आगे है कुछ इंटरेस्टिंग है गाइस, कुछ आगे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ पर होगा? ना जी, ना 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 ना, यहाँ पर तो नहीं है। अब होगा तो कहीं किसी कोने में बैठा होगा। वो है कोने के साइड, वो भी अजगर है, ब्लैक अजगर। ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है, ये है ब्लैक अजगर। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। ये तो काफ़ी बढ़िया बनाया गया, भीड़ भी यहाँ पर ज़्यादा ही है। इसमें तो कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, नहीं है इसमें, इसमें धुंध छा गई है पानी की वजह से। इसमें वो है सामने की तरफ अजगर ही अजगर, यहाँ अजगर ही अजगर देखने को मिले अभी तक, और कोई सांप तो दिख ही नहीं रहे। यहाँ पर भी अजगर ही है क्या? व्हाट अ बोरिंग यार, थोड़ा तो चेंज करो। कोबरा लिखा हुआ है, कोबरा लिखा हुआ है, कोबरा इधर तो है नहीं, इधर होना चाहिए कहीं ना कहीं। वो है, वो आप लोग को दिख रहा है नीचे की साइड, वो है कोबरा। ये देसी वाला कोबरा है, ये ब्लैक कोबरा नहीं है। ये वाइपर स्नेल यहाँ पर होना चाहिए, वाइपर स्नेल। कहाँ है वाइपर स्नेल? दिख तो नहीं रहा। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है भाई? किस कोने में जाके छिप के बैठा है, मुझे दिख ही नहीं रहा। चलो इसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसमें तो खाली पड़ा है, ऐसे ही छोड़ दिया गया बना के। एक दो बिच्छू डाल देते, वही काफ़ी था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, सैड बुआ, मतलब दो मुआ साफ होता है, सैड बुआ वैसा ही कुछ है, लेकिन अजगर ही मुझे दिख रहा है। ये तो अजगर की प्रजाति है, और कुछ नहीं है। वो भी अजगर है, सामने भी अजगर है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया आ रही भाई फ़ोन की, देखो एकदम क्लियर। दो दो अजगर, मुंह भी उसका दिख रहा है, मुंह इधर ही साइड है। अच्छे देखो ये मुंह उसका कितना डेंजरस। वाह जी वाह, चलो 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 आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट। और यहाँ पर भी अजगर है, बोरिंग कुछ धामिन सांप यहाँ पर होना चाहिए। वो है अंदर की तरफ, पूंछ दिख रही है उसकी। अच्छा उधर साइड काफ़ी सारे, वो देखो चल रहा है, पानी पी रहा है, पानी पीते तो नहीं है लेकिन तब भी पी रहा है। शेर देखो, इसमें देखने को मिले हैं दो तीन सांप बढ़िया, बाकी का ये टनल के अंदर बैठा है टीन के ऊपर। और उसको देखो, वो अपना बढ़िया चल रहा है, नहीं तो बाकी तो सांप यहाँ पर सुस्त पड़े हुए थे। गाइस इसी के साथ हमारा सांप का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अभी वीडियो नहीं ख़त्म हुई है, केवल सांप का सफ़र ख़त्म हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी है, जेब्रा देखना है, दरियाई घोड़ा देखना है, मगरमच्छ देखना है, पता नहीं क्या क्या देखना है। बाबू सोना देख लिया तो क्या होगा, यहाँ पर बाबू सोना तो ज़्यादा ही आते होंगे। नाग लोक से निकलने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पक्षी लोक में। यहाँ पर आपको सारे पक्षी मिलने वाले हैं जो इस बोर्ड में दिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये कौन सा है? हंस है, और वो सामने की तरफ मोर बैठी हुई है। चलो दिखा देता हूँ, ये देखो मोर, शे बैठी हुई है मोर। और देखते हैं कौन कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं। हंस है यहाँ पर ज़्यादातर, सारस है, सॉरी हंस या सारस दोनों हो सकते हैं मिक्स, जबकि मोर भी मिक्स है इसी में। शायद उधर से रास्ता है इसका, वो ब्रिज बना है ना उधर के साइड, तो हो सकता है रास्ता। चलो देखते हैं आगे, ये चिल्ला रहा है, देख रहे हो आप लोग आवाज़ सुन सकते हो। कौन सा जानवर है? बतख है, बतख, पगला बतख। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सफ़ेद मोर देखने। यहाँ पर एक ही मोर है जो कि बिल्कुल सफ़ेद है। इसको मैंने बोला बतासे खिलाएंगे, एक बार गाना सुना तो, लेकिन ये मान ही नहीं रही। और अगर आप लोग इसकी जन्म कुंडली पढ़ना चाहें तो ये बोर्ड पे लिखी हुई है, पॉज ऑज करके पढ़ लो। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती नहीं है इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस इग्नोर करके चला जाता हूँ। सामने की तरफ मुझे एरोप्लेन दिख रहा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है, जो कि अभी मेरे सर के ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरा तो मुझे याद आया यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है। और यहाँ की ट्रेन कैसी है, वो सड़ी सड़ाई दिख रही है, वो ट्रेन है क्या? नहीं वो तो नहीं हो सकती, चलो एरोप्लेन के पास चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक एरोप्लेन का मॉडल बनाया गया है आकर्षण के लिए,
अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। बाकी क्या यहाँ पर कावड़ यात्रा के कई सारे लोग आए हुए हैं। देखो आवाज़ आ रही है एरोप्लेन की, वो देखो वो जा रहा, अभी जाएगा यहाँ से। किधर चला गया पता नहीं, एरोप्लेन कहीं निकल लिया बादलों के अंदर अंदर। यहाँ पर हवाई अड्डा पास ही में है ना, तो वहीं पर गया होगा। चलो देखते हैं, मछली घर इधर है, बच्चों का पार्क, सांप घर तो देख चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। अभी आगे चलना है बस हम लोग को गेट नंबर 2 की तरफ। गाइस ये रहे यहाँ के कछुए, छोटे छोटे कछुए जो कि घूम रहे हैं। और यहाँ पर एक ही दो कछुआ नहीं है, आपको दिखाता हूँ कितने सारे हैं। ये जो दिख रहा है ये कोई पत्थर नहीं है, ये सब यहाँ के कछुए हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे, ये देखो गाइस इतने सारे कछुए लाइन से। वाह 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 वाह, ये बात ऐसा लग रहा है दूर से चमकने में कि ये पत्थर हो, लेकिन पत्थर एक भी नहीं है, सब कछुए हैं। ये सीन देखो, बंदर अपने जुएं निकलवा रहा है यहाँ पर एक एक। ये सीन देख के आप लोग को क्या लगता है किसके पास जुएं होंगे, उसको टैग कर दो ये वीडियो। तो गाइस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं नौका बिहार की तरफ, पानी नीचे भरा हुआ है तो आगे की तरफ झील है, वो देखिए लिखा हुआ है लेक। देखते नाव चलती है या फिर झील बनी हुई है, केवल आगे चलने के बाद ही पता चलेगा। बाकी का हरियाली तो यहाँ पर पूरी जगह ही जगह है, बाकी का सीन भी काफ़ी बढ़िया है, रोड वोड भी बढ़िया ही है। देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ पर। नाव चलती है, मुझे दिख रहा है हल्का हल्का, देखो नाव चलती है, इसके अंदर कई लोग जा भी रहे होंगे। थोड़ा हम लोग भी पास में चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अब चलते हैं नौका बिहार झील देखने, एरो की तरफ देखते हैं किधर नौका बिहार झील है। नौका बिहार मतलब नाव चलती होगी इस जंगल में, देखते हैं किधर जाके नाव मिलती है। गाइस यहां पर रेट देख सकते हो, 2 सीट का 80, 4 सीट का 100 रुपये प्रति आधा घंटा, आधे घंटे तक घुमाएंगे या चलाना पड़ेगा वो तो इधर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आकर आराम से 4 लोग 2 लोग जितने भी हो बैठ जाओ नाव पे और चलाते रहो। गाइस मुझे ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, आधा एक घंटा हुआ होगा, लेकिन मुझे अभी से ही थकावट लगने लगी है। अगर कोई साथ में होता है तो लगता है कि हाँ चलो चलो आगे चलो, अब तो लग रहा है जहाँ मौका मिले वहीं बैठ जाओ, फिर चलो फिर बैठ जाओ। आगे चल के देखते हैं क्या है आगे। तो एक कैंटीन नज़र आ रही है बस, उसके आगे तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आपको भी दिखाते हैं। मछली घर पीछे है तो मछली घर ही चलते हैं। गाइस यहाँ पर भी एक मछली घर है जिसका टिकट है 10 रुपये बड़े लोग का और 5 रुपये छोटे लोग का। बाकी का ये लोग जा ही रहे हैं लाइन लगा के, मेरा जाने का मन नहीं है क्योंकि वही मछलियाँ देख देख के मैं बोर हो चुका हूँ, कुछ यहाँ पर स्पेशल तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला इसके अंदर। हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घड़ियाल देखने, और ये रहा घड़ियाल, एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। ये घड़ियाल है मगरमच्छ नहीं, क्योंकि घड़ियाल की नाक बड़ी होती है और इसी में मछलियां भी हैं खाने पीने के लिए, मतलब ये घड़ियाल खाने के पीने के लिए। ये देखो बढ़िया तैर रहा है, और वो भी एक सामने की तरफ। बाकी का आप लोग देख ही सकते हो घड़ियाल को देखने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, ये देखो। और वो देखो किनारे की साइड आराम कर रहे हैं 2-3 घड़ियाल, वो देखो। अभी चलेंगे मगरमच्छ देखने। गाइस हर चिड़ियाघर की तरह इस चिड़ियाघर में भी भूल भुलैया जैसा है सिस्टम है, आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया चलते चलते मुझे जानवर ही नहीं दिख रहा। इस गली से जाता हूँ तो दोबारा इसी गली में निकल आता हूँ। देखते हैं अभी एड्रेस पूछा है किसी से तो आगे चल के देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। मेरा तो साला कमर ही दर्द होने लगा चलते चलते, पैर भी एकदम सूज गए हैं, इंटरेस्ट किधर से आएगा। देखते हैं कुछ नया कुछ देखने को मिले तो ही मज़ा आएगा। गाइस इतना मेहनत करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं हिरन देखने। पूरे पिंजड़े में केवल एक ही हिरन है, जानवर इसमें ज़्यादा है नहीं, जितने भी हैं 1 या 2 से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है। ये संघाई हिरण, यहाँ पर भी हिरण का ये है, यहाँ पर झुंड पूरा हिरण का। शेर देखो सामने की तरफ, वो आप लोग को दिख रहा होगा
वो कितने सारी हिरन है ये देखिए, ये एकदम क्लियर। गाइस गाइस ये आ गया हिप्पो के पिंजड़े में, एक ही हिप्पो है वो सामने की तरफ। ये देखिए गाइस पूरा पिंजड़ा उधर खाली पड़ा है, इधर ही है सब। मैं गलती से उल्टी साइड चला गया था, उधर साइड। इतना थक जाने के बाद फाइनली अब मैं सही लोकेशन पे आ गया हूँ और अब आपको दिखाऊंगा हाथी, गेंडा हाथी और क्या क्या बाकी है सब दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जंगली बिल्ली देखने। वो सामने जंगली बिल्ली बैठी हुई है, जैसे लग रहा है शेर बैठे हों, छोटे छोटे शेर के बच्चे, लेकिन वो शेर के बच्चे नहीं बिल्ली है। और एक तो हमारे पिंजड़े के बिल्कुल करीब में ही है। तो गाइस जंगली बिल्ली देखने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं आगे। आगे देखते हैं कौन सा जानवर मिलता है। अभी तो हम लोग को हाथी, गेंडा हाथी ये तो मिला नहीं, और थोड़ा ये भूल भुलैया टाइप का भी है ना, तो गलत रोड पे चले जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है उतना चल के। तब भी मैंने एक घंटा आराम करने के बाद अब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। यहाँ पर हिरन की कई सारी प्रजातियाँ हैं, उसको दिखाकर आप लोग को बोर नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें देखते हैं। गाइस अभी हम लोग को क्या क्या देखना बाकी है, जीराफ, गेंडा हाथी, गौर, लकड़बग्गा हाथी, ये सब बाकी है। तो एरो को फॉलो करते हैं और चलते हैं सीधा। गाइस ना तो गेंडा हाथी के पिंजड़े में गेंडा हाथी है और ना ही जीराफ के पिंजड़े में जीराफ है, लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं हाथी के पिंजड़े में। हाथी हम लोग को दिख रहा है, वो आपको दिखाता हूँ, चलिए। देखिए गाइस वो हाथी घास खा रहा है, एक ही हाथी है, वहाँ पर पकड़ के रखा गया शायद, वहाँ पर बंद है। देखिए वहाँ पर घास खा रहा है। चलिए आगे से दिखाते हैं फ्रंट व्यू। ये देखो एकदम मस्त वो खा रहा है घास, और लगता है बारिश भी होने वाली है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भीग सकते हैं। तो गाइस करीबन 4 घंटा पटना जू में बिताने के बाद अब हमारा चिड़ियाघर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, सारे जानवर दिखा दिए, जो जानवर नहीं थे वो कहाँ से दिखाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।